शुभ शगुन से मनाया गया। राष्ट्र संत परम गुरुदेव श्री नम्र मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में नौ आत्माओं की दीक्षा आमंत्रण पत्रिका आलेखन का अवसर, लहराते शासन ध्वज और अष्ट मंगल के प्रतीक के साथ श्री संतपति परिवार द्वारा की गई दीक्षा आमंत्रण पत्रिका की पधारी। त्याग और वैराग्य के उत्साह भाव से पधारे दीक्षार्थी और तभी गूंज उठा परम गुरुदेव का ब्रह्मनाद। तदेव भाव प्रकट करो के धन्य घड़ी आवे के कोक दीक्षार्थी निकलतो हो इन आशीर्वाद आपको तारो पंत सदा उजमाल बने। एवी तमारी आत्मा नी उच्च दशा प्रकट थाय के तमे आशीर्वाद ना अपना अधिकारी बनो ने एवी अनुमोदना आजे करजो। आलेखन करता करता पत्रिका नु आलेखन करता करता अनुमोदना करता 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 तमारो एवो उत्कृष्ट पुण्य जागे उत्कृष्ट भाव जागे कि एक दिवस आशीर्वाद नो अधिकारी बनी जा। अणु अणु में छा गई दिव्यता जब केसर जल के शगुन से उपकारी आत्माओं को आलेखित किए गए दीक्षा महोत्सव के आमंत्रण। पत्रिका आजे लखाशे शुभ भावो थी। जारे हूँ पत्रिका लगती हती तारे मन में एक दुख हतु कि मारी जो गाइडिंग स्टार हती ये तो मारा थी बहुत दूर जाए छे। पर एक सिल्वर लाइनिंग पण हती कि जो मारी एकलानी गाइडिंग स्टार हती ते अनेकों नी गाइडिंग स्टार बनवा जाए छे। मम्मी जड़ा हन के पत्रिकाला हाथ है वे हंजे पो हंजे मोते एकड़ी ऑलवेज स्माइल होए हु स्माइल बहुत प्रेशियस। आई होप कि दीक्षा पोए हु स्माइल हंजे मोते ऑलवेज रहे। આજે જ્યારે એના દીક્ષાની પત્રિકા લેખન હતી ત્યારે મારા રોમે રોમ ઊભા થઈ ગયા હતા। મારા આંખમાં એક ઉલ્લાસના અશ્રુ હતા। આઈ વોઝ સો હેપી। બસ મારા બ્લેસિંગ્સ એવા છે કે એ આગળ ને આગળ વધતી રહે અને બસ એકદમ સફળ થાય। અષ્ટ પ્રવચન માતા ભી આમંત્રિત હોઈ દીક્ષાર્થીઓ દ્વારા और भेरी वादन करते हुए श्री संतपति परिवार ने किया जय घोष। गुरु मंदिर में आमंत्रण पत्रिका अर्पणता के हृदय स्पर्शी दृश्यों के साथ यह अवसर दीक्षा महोत्सव का शुभ मंगलाचरण कर गया।